प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री जय प्रताप सिंह और अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड 19 संक्रमण के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री ने होम आइसोलेशन के मरीजों को दवाइयों के वितरण, रैपिड रिस्पॉन्स टीम की स्थिति, कोरोना से होने वाले मौतों की समीक्षा, शव वाहनों की स्थिति व ICCC की व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने एम्बुलेंस के साथ ही शव वाहनों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए और कहा कि सभी CHC और PHC पर कम से कम 50 बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में AD हेल्थ सहित स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। दूसरी बात यह है कि जो होम आइसोलेटेड है उनके यहाँ RRT की विजिट हो रही है कि नहीं, RRT आपके यहाँ कितने बने हुए हैं, RRT की विजिट हो रही है, शुरू करवा दें। जो आपके होम आइसोलेशन की किट है वो दवाइयाँ आपके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ऐसा मुझे कॉरपोरेशन से बताया गया है। इन दवाइयों का आप इंतजार न करिए, दवाइयाँ उपलब्ध हैं तो इनके होम आइसोलेशन के पैकेट जो है ये बनवा लीजिए और PHC पर भी रखवा दीजिए। PHC पर रखा हो कई जिलों में बहुत हाई दिखाई पड़ रही, तो इसलिए प्रिजम्प्टिव ये मानते हुए कि अगर वो सिम्टम के साथ आया है तो वैसा ही होगा, कोविड हो सकता है, जांच तो उसकी होती रहे, एंटीजन टेस्ट करिए या RT-PCR करिए, उसको जो होम आइसोलेशन वाले जो मेडिसिन है वो किट दे दीजिए पर्चा के साथ कि उसको शुरू कर लेने लगे। तो एक तो होम आइसोलेशन में बता दीजिएगा कि आपके यहाँ होम आइसोलेशन को कॉलिंग हो पा रही है कि नहीं और उनको आप धंधा दे पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जो आज मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से फोन किए गए थे कल से आज तक, उसमें उन्होंने ये फीडबैक दिया है कि 50% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि हमको कोई किट नहीं मिली है। अब ये किस जिले का है फीडबैक, किन जिलों का है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज सुबह की मीटिंग में यह बताया गया तो आप लोगों को बता दें। दूसरी बात यह है कि होम आइसोलेशन RRT की बात हो गई, एक आपको DG साहब ने भेजा है डेथ ऑडिट के बारे में कि आपको जो भी डेथ सुबह में रिपोर्ट हो जाती है वो सब उसका एक अपनी कमेटी बनाइए और ऑडिट करके उसको फिर 1 बजे तक आप भिजवा देंगे मेल से इनके पास, DG साहब के पास कंपाइंड, और वो फिर मुख्यमंत्री कार्यालय और चीफ सेक्रेटरी साहब को जाना है, जो भी उसके कारण हो वो आप अपना देख लीजिएगा। तो ये अभी तो कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ की ज्यादा नंबर से बाकी जगह 1-2, 1-2-3 इस तरह से होता है, कुछ जिलों में बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, लेकिन इसको एक रेगुलर ऑडिटिंग की बात है। चौथी बात है कि जो आपके ICCC है, जो कमांड कंट्रोल सेंटर है, वो काम कर रहा है प्रॉपर कि नहीं, अगर होम आइसोलेशन की कॉलिंग वॉलिंग में लोग कम पड़ रहे हैं तो उसको अगर बढ़ाना हो कुछ फोन लाइंस या लोग बढ़ाने हो तो उस पर भी आप लोग विचार कर ले, उसको भी बढ़ाने पर काम कर ले। पांचवी बात है कि जो आपके एडमिशन और डिस्चार्ज की है बात, एडमिशन है और जो डिस्चार्ज हो रहा है, जो नई डिस्चार्ज पॉलिसी है उसके अनुसार डिस्चार्ज शुरू हो गया क्या, अगर कोई स्टेबल हो चुका है तो विदाउट वेटिंग फॉर अ नेगेटिव रिपोर्ट उसको आप क्लिनिशियन डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो अपना घर पर जाकर के बाकी पीरियड उनको दवा वगैरह जो खाना है दे दीजिए और वो अपना वहाँ जा करके स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं, इसका जीओ भी हो चुका है। ये है कि 8 बजे सुबह में वो पोर्टल पर अपडेट करेंगे उसको एनफोर्स करवाइए और वो 8 बजे और 4 बजे उसमें जो लिखा गया है कि पोर्टल पर अपडेट होगा और उसका एडमिशन होगा उसको एनफोर्स करवाइए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनको कि ऑक्सीजन बेड शुरू में मिल जाए तो बाद में वो SDU-ICU में जाएंगे नहीं, लेकिन वो नहीं मिलता है, वो सपोर्ट नहीं मिलता है, एक तरफ तो बेड्स खाली रहने की रिपोर्ट आती रहती है कि बेड्स खाली है, दूसरी तरफ वो सपोर्ट लोगों को नहीं मिलता है, तो बाद में फिर डिस्ट्रेस को जाकर के SDU-ICU में लैंड कर रहे हैं और तमाम परेशानी आ रही है, ऑक्सीजन भी नहीं है उतना और
और लास्टली एक चीज जो मैंने बहुत बार बार पूछे है, तो जो जिले ऐसे है परिवार साहब जहाँ पर ज्यादा केस लोड है उसी से पहले पूछ लीजिएगा, पूरे 75 से पूछेंगे समय लगेगा। शुरू के ऊपर वाले जो 20-25 जिले है उनसे पूछ लीजिए तो हम लोग का आइडिया लग जाए। एंड लास्टली जो शव वाहन है, शव वाहनों की क्या स्थिति है इसको जरा सा बताइएगा कि आपके यहाँ अगर शव वाहन जो किस किस सोर्स से होता है, एक तो अस्पताल का शव वाहन हो सकता है एक आधा अगर पता नहीं नगर निगम या उसके पास होता हो, और जो नहीं है तो एक आध दो उसमें अगर हायर करने का होता है तो हायर किया जाए, लेकिन किसी भी कोविड डिजीज जो डेथ हुआ है डिसीज जो है उसको क्रिमेटोरियम तक या बरियल ग्राउंड तक या उसके ग्रेवयार्ड तक जाने में कोई डेड बॉडी के लिए परेशानी हो, वो हम लोग इंश्योर करवा लें कि वो गाड़ी उसको मिले और गाड़ी वहां तक डेड बॉडी को उनके परिजनों के साथ वहां तक पहुंचाए। उसके लिए किसी को किराया वराया पर गाड़ी लेने की जरूरत न पड़े, वो पेमेंट हम लोग करें, हम किराए पर गाड़ी लेके रखें, दो तीन गाड़ी लेके रखें और उनको डेड बॉडीज को हम जरूर बरियल ग्राउंड तक या जहाँ भी क्रेमोटोरियम तक जाना है वहाँ हम पहुँचवा दें। ये 6 बिंदु हैं, इन्हीं पर आप होम आइसोलेशन, एडमिशन डिस्चार्ज, ICCC की व्यवस्था, RRT की स्थिति, डेथ ऑडिट और छठा शव वाहनों की व्यवस्था, इन्हीं 6 पर आप लोग बोलना शुरू करेंगे और बहुत ही संक्षेप में बताएंगे। सर गोरखपुर में हमारे होम आइसोलेशन के केस हैं सर 9,249, जिसमें से 8,383 को हम लोगों ने ट्रीट दिया है सर 90% के आसपास। हमारे यहाँ सर RRT टीम सर 22 अर्बन में लगी है सर और 19 रूरल में लगी है सर, लेकिन अर्बन का लोड ज़्यादा है सर, इसलिए हम लोगों ने आज 22 टीमें सर अर्बन में और बढ़ाई है सर, जो हमारे यहाँ कल से काम शुरू करेंगी सर। तो इससे हम कल अर्बन में, कल और परसों तक अर्बन में जो हमारी पेंडेंसी है सर उसको मैं ख़त्म कर ले जाऊँगा। सर हमारे यहाँ डेथ ऑडिट की कमिटी बनी है सर, एक डिप्टी CMO डॉक्टर दिनेश सिंह इस काम को देख रहे हैं सर, वो अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं सर और रूटीनली सर उसको शेयर कर रहे हैं सर। सर हमारे यहाँ एम्बुलेंस 108 वाली सर डेडिकेटेड 23 है सर BLS, और 2 हमारे यहाँ ALS है सर, ये डेडिकेटेड फॉर कोविड है सर। हमारे यहाँ शव वाहन सर 3+1 3 हमारे जिला अस्पताल के हैं सर, 1 अंडर CMO के हैं, इनमें से 4 में से सर हम 3 फिलहाल यूज कर रहे हैं सर डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए सर, धोने के लिए सर। और सर हमें 100 वाहन की जरूरत है सर, DM साहब से बात हो गई है सर, वो व्यवस्था आज और हो जाएगी सर, संभवतः हम भाड़े पे या किसी एम्बुलेंस को ही सर डेडिकेटेड 100 वाहन बनाने की चर्चा कर रहे थे सर, आज ये डिसाइड हो जाएगा सर। सर ICCC में हमारा काम बढ़िया चल रहा है सर, मैन पावर हमारे 87 है सर, 19 फोन हमारे पास है सर और 2 लगाए गए हैं इसमें नोडल, 1 हमारे ब्रजेश यादव जी बचत अधिकारी हैं सर और दूसरा हमारे एक एडिशनल CMO डॉक्टर गणेश यादव लगाए गए हैं सर। तो हमारी स्थिति यही है सर, थोड़ा सा हम RRT की टीम कम होने के कारण सर पिछड़े हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको कल नहीं तो परसों हम लोग सर इंडिपेंडेंसी को समाप्त कर ले जाएंगे। और सर एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है हमारे यहाँ सर, हमारे यहाँ सर BRD मेडिकल कॉलेज में 300+200 की सर L2 और L3 फैसिलिटी चल रही है सर पहले से, लेकिन हमारे DM सर, CDO सर और कमिश्नर सर के सहयोग से कल से हम एक 50 बेड का L2 अपने BRD के CMO के संसाधन से कल शुरू करने जा रहे हैं सर। तो ये 50 बेड हमारा कल से सर शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे पास 100 बेड का ये TB हॉस्पिटल एयरफोर्स में है सर, जहाँ पे हमारी कैपेसिटी 100 बेड नहीं होके सर वहाँ 90 है, जो आज के समय में सर फुल है सर।
इसके अतिरिक्त हमारे प्राइवेट में 33 हॉस्पिटल्स हैं सर, जिसमें 950 बेड्स हम लोगों ने कोविड के लिए सर सुरक्षित किया हुआ है। लेकिन सर उसके डेटा प्राइवेट में सही सही हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं, वो बताते हैं कि सारे फुल हैं, लेकिन सर हम लोगों ने कुछ चेक किया है तो कुछ उसमें जगह निकल पाएगी सर, जो आवश्यकता अनुसार हम लोग वहाँ पे पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं। सर आपका एरिया मुख्यमंत्री जी का खुद का एरिया है, तो मतलब फीडबैक उनको तो जाता ही होगा, मे बी यू आर द रीजन व्हाई इट्स हैपनिंग। इससे ज्यादा ग्लेरिंग इशू ये है कि जो 17% टीम गई भी, तो जो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है उनका, एग्जामिनेशन हुआ है, आपके यहाँ एकदम 0% है, मतलब किसी ने भी ये रिस्पॉन्ड नहीं किया कि फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ है। तो दिस इज 0% में क्या कहेंगे, और आपको सिग्निफिकेंटली इस काम को देखने की जरूरत है कि क्यों नहीं हो पा रहा है। इसको सर मैं देख लेता हूँ सर, हमारे आज सीओ साहब भी सर आज बीमार हो गए सर।